सिर्फ औरत नहीं हो ना, बीवी भी हूँ और माँ भी हूँ। पता है आप भी जब माँ बन जाते हैं ना तो शोहर की बहुत सारी गलतियों को माफ करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि घर बस जाए, बच जाए, निप जाए। मुझे इश्की इबादत करने दे। क्या जरूरत थी मरियम के घर जाने की? तो और क्या करती आप ही? कहाँ जाती? कोई रास्ता दिखाई दिया था? कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, इसलिए जाकर भीख मांगी है। साफ साफ बोलो, भीख मांगने गई थी? कभी कभी तो बहन बनकर इस जबान का इस्तेमाल करो। जिंदगी गुजर गई, मेरे लिए तुम्हारी इस जबान से सिवाय जहर के कभी कुछ नहीं निकला अभी, ना शायद कभी कुछ निकलेगा। सजीला, जो तुम्हारे शौहर ने किया है ना उसके साथ, तुम अल्लाह का शुक्र करो कि वो जिंदगी भर के लिए जेल नहीं गया। समझ आई है तुम्हें? असूलन मुझे भी तुम्हें फौरन इस घर से दफा कर देना चाहिए। जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं चली जाऊंगी आपके घर से। मेरा शौहर आ जाए, मैं चली जाऊंगी। क्यों तुम इतनी ढीठ? कुछ जानते हुए भी तुम अब भी उसका इंतजार कर रही हो? सिर्फ औरत नहीं हो ना, बीवी भी हो और माँ भी हो। पता है आप भी जब माँ बन जाते हैं ना तो शोहर की बहुत सारी गलतियों को माफ करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि घर बस जाए, बच जाए, निप जाए। तो फिर यहाँ क्यों खड़ी थी हो? मुझे क्यों माँ के भाषण दे रही हो? जाओ संभालो अपने बच्चों को। थक गई होगी बेचारी नौशीन, उसके और भी काम होते हैं, ये नहीं कि हर वक्त तुम्हारे बच्चों को संभाले। चलो, किसी का तो एहसास है आप ही आपको इस जिंदगी में, किसी के लिए तो दुख है। आप जाओ नौशीन का ही सही।